दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज बात करेंगे 1 अक्टूबर 2024 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों आज का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा सिंह राशि के शाम के 4 बजे तक रहेंगे, उसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चंद्रमा सुबह 9 बजे तक रहेंगे, उसके बाद में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा चले जाएंगे। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे लव राशि फल के, लेकिन उससे पूर्व जानेंगे आज का लव टिप, आज का खास उपाय, आज क्या उपाय करें जिससे आपका पूरा दिन अच्छा बन जाए, पूरा दिन श्रेष्ठ बन जाए। तो आज के दिन आपको सुबह स्नान करते वक्त स्नान के जल में थोड़ा सा आपको गुलाब जल और 2 इलायची डालकर के स्नान करना है, इससे आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी और पार्टनर से प्यार मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आज के लव राशि फल के बारे में। लव राशि फल में बात करेंगे सबसे पहले राशियों के क्रम में, सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर आपको भरपूर प्यार देगा और बहुत ही रोमांटिक स्थितियां रहने वाली हैं। शाम के वक्त में स्थितियां थोड़ी सी खराब हो सकती हैं और नाइट के वक्त में थोड़ी और खराब दिखाई जा सकती हैं। हो सकता है कि अगर आज के दिन आप पार्टनर से मिलें या मिलने की प्लानिंग बनाएं तो उस प्लानिंग में बहुत कलेश हो सकता है आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो जाए, उस वजह से भी आपकी प्लानिंग खराब हो जाए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम बन सकती है और आज खास करके कुछ दिन में आपके द्वारा ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे, ऐसी गलतियां की जाएंगी जिससे आप रात भर या दिन भर परेशान रहेंगे। खास करके विशेष रूप से शाम के 4 बजे से आपके पार्टनर का रौद्र रूप आप पर सवार होगा, आपके ऊपर सवार होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन सामान्य है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मन शांत रहेगा। लव लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, कलेश भी हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में जितनी आप उम्मीद करेंगे चीजें ठीक हो जाए उतनी ज्यादा और बिगड़ जाएंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन बहुत अच्छा है, पार्टनर से प्यार मिलेगा, दूर यात्रा पर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर से जितना ज्यादा आप प्यार दिखाएंगे उससे डबल वो दिखाएगा, तो आज का दिन बहुत सुंदर बनने वाला है। नो कांटेक्ट में स्थिति बहुत अच्छी है। मैरिड लाइफ में स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी बनने वाली हैं और आज शाम के वक्त के बाद में आपके पार्टनर आपसे माफी मांगेंगे अपनी गलतियों के लिए, जिससे मैं कहूंगा मैरिड लाइफ में आज की नाइट और ज्यादा बेहतरीन और रोमांटिक बनने वाली है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको एहसास होगा कि आपने बहुत गलत डिसीजन लिया और गलत व्यक्ति का साथ आप दे रहे हैं, यह स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन सामान्य है। लव लाइफ में पार्टनर आपका मूड खराब करेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में आपका कलेश इतना बढ़ जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। आपके हस्बैंड आपको बिना बताए कुछ बड़े डिसीजन ले लें या फिर आपकी ना मानते हुए कुछ बड़ी गलतियां कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आप दोनों के बीच में बहुत युद्ध हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, कलेश हो सकता है और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मन शांत रहेगा। लव लाइफ में पार्टनर आपकी हर जिद पूरी करेगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति सामान्य है। मैरिड लाइफ में थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन सामान्य ही रहने वाला है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर बनने वाला है। कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिल सकता है। लव लाइफ में पार्टनर खर्चे करेगा और खर्चे के बाद में आपको बहुत ज्यादा प्यार भी करने वाला है। आज के दिन पार्टनर की कुछ ज्यादा उम्मीदें आपसे बन सकती हैं, तो आज उम्मीदें पूरा ना कर पाने की वजह से दिक्कत हो सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में शाम को उनका कॉल मैसेज आ सकता है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर आपको बहुत याद आएगी और आपको लगेगा काश वो कॉल कर ले। आप माफी मांगेंगे, बार बार माफी मांगेंगे, लेकिन उधर से कॉल नहीं आएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन सामान्य है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन सामान्य रहेगा। लव लाइफ में पार्टनर आपको सुबह ही ब्लॉक कर देगा और शाम तक वो आपको कॉल नहीं करेगा। जब आपको बहुत याद आने लगेगी तो वो आपको कॉल करेगा और इससे आज
शाम के वक्त में स्थितियां बेहतर बनाई जा सकती हैं, देखी जा सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति बहुत अच्छी है, मैरिड लाइफ में खुशखबरी मिल सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दूर यात्रा पर ना जाए, पार्टनर से मुलाकात करने की कोशिश भी ना करें, अच्छा नहीं है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन सामान्य है। लव लाइफ में झूठे आरोप आपके पार्टनर आप पर लगाएंगे और उनकी बातें आपको ऐसा लगेंगी जैसे किसी के द्वारा भड़काए गए हैं या किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस किए गए हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति खराब है, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे आपके पार्टनर आपको, और हो सकता है कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो, मंथली प्रॉब्लम हो, महिला हैं, उस वजह से भी आपके पार्टनर आपके साथ में दुर्व्यवहार करें या उनका वो ना समझें आपकी चीज़ों को। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिन सामान्य। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों सिंगल हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, कोई दोस्त बन सकता है। लव लाइफ में दिन भर बहुत प्यार रहेगा लेकिन रात में झगड़े होने वाले। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भूल से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश न करें, अगर कॉन्टेक्ट हो भी गया तो भी दिन और खराब बन जाएगा। मैरिड लाइफ की स्थिति सामान्य, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपको धमका सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन सामान्य है, वन साइड लव में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है आपके साथ में। लव लाइफ में पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार की उम्मीद तो दिखाएगा लेकिन प्यार नहीं करेगा, आपकी प्यार की कदर नहीं करेगा और फिजिकल रिलेशन को लेकर के आज बहुत ज़्यादा फाइट हो सकती है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति खराब है, मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर गुस्से में बहुत ज़्यादा आग बबूला होंगे और हो सकता है कि आज वो आपसे बहुत सारी चीज़ों का बदला लें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका ईगो हर्ट करेंगे पार्टनर, बार बार आपसे झगड़े करेंगे और आपको बहुत परेशान भी करने वाले हैं, स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन सामान्य। लव लाइफ में पार्टनर आपसे माफी मांगेगा, अपनी गलती के लिए माफी मांगेगा और बार बार आपसे माफी मांगेगा, इससे स्थितियां बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही हैं और अगर कहीं मिलने का प्लानिंग थी तो मिलना हो सकता है, अचानक से मिलना हो सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति बेहतर बन सकती है। मैरिड लाइफ में कितना भी पार्टनर गुस्सा हो वो आपके पास वापस आने वाला है और स्थितियां बेहतर करने वाला है। अगर किसी प्रकार से डाइवोर्स इत्यादि की बातें होने लगी थी, बहुत सारी चीज़ें खराब होने लगी थी या आपने चीटिंग कर दी थी अपने पार्टनर के साथ में, तो वो चीटिंग भी भूलेंगे और गलती के लिए आप माफ़ी मांग लें या वो एक दूसरे को समझौते करके सुधारें, एक दूसरे को सुधार सकते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को बदल सकते हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों। मीन राशि वालों सिंगल हैं तो आज का दिन सामान्य। लव लाइफ में बहुत बुरी तरह से आपके पार्टनर आपके साथ में गलत व्यवहार करेंगे, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति खराब है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा अफेयर पकड़ सकते हैं आप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब दिखाई पड़ती हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, ये स्थिति है। दोस्तों यह था आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखें। जय माता दी दोस्तों। अगर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ